नमस्कार, न्यूज नाइन नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद, लंबे इंतजार के बाद सिवान में आज कोरोना का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन सिवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत हेल्प डेस्क बनाया गया है, वहीं कुछ दूर पे आपको ये टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसे सारे सिस्टमेटिक तरीके से लगभग आज दोपहर के तक लगभग 45 सफाई कर्मियों को और लोगों को टीकाकरण लग चुका था, लगा दिया गया था। आपको बता दें कि सबसे पहले जो टीका लगा है वो एक सफाई कर्मचारी हैं, उनको लगा है, और इस तरह से फिर अब डॉक्टरों की नंबर है। लगातार जो सिस्टमेटिक तरीके से इस पर टीकाकरण किया जाएगा। आइए, हमारे साथ अमित कुमार पांडे सिवान जिलाधिकारी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे डिटेल कैसे कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मैक्सिमम लोग इसमें, अधिक से अधिक लोग इसको ऑप्ट करेंगे, और ये कोरोना से जो हम लोग लगभग 10-12 महीने से जूझ रहे हैं उस लड़ाई में ये कोरोना वैक्सीनेशन अहम साबित होगा। सर, दूसरा डोज कब पड़ने वाला है? देखिए, आज पहला डोज लेने पे दूसरा डोज 28वें दिन पे दिया जाता है और उसके लगभग 14 दिन बाद एंटीबॉडी जनरेट होती है। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन लगता है उनको ये जानकारी दे दी जाती है कि 28 दिन तक 28वें दिन दूसरा डोज जरूर लें और उसके 14 दिन तक और परहेज करना है। मतलब आज से लेकर लगभग 42 से 45 दिन तक लोगों को परहेज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जब एंटीबॉडी जनरेट होगी तभी ये वैक्सीन असरदार होगी। देखिए, अभी यहाँ पे हमारे नाइट गार्ड हैं विजय जी, उनको दिया गया है, और सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर, ये प्राथमिकता में है अभी फिलहाल। फिर हमारे IMA के डॉक्टर शरद हैं, उनको दिया जाएगा। तो उन्होंने खुद ऑप्ट किया पहले दिन, आज यहाँ से वैक्सीन लेने का उन्होंने खुद निर्णय लिया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लगभग 16,000 कर्मी हैं जिसमें कि मात्र 2,000 प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स हैं, तो उनमें जो जोश या जो इच्छा की कमी दिखाई दी है तो डॉक्टर शरद जी इस चीज़ में लीड करना चाहते हैं। आज उनको भी दिया जाएगा, तो उनके माध्यम से एक मैसेज जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर्स के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हिचकिचाए नहीं और बड़ी मात्रा में वैक्सीन। सर, आज 1,000 लोगों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीका, बाकी 15,000 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, एंटीबॉडी 42 से 45 दिन में जनरेट होती है, और मैं यही अपील करना चाहूँगा उन सभी कर्मियों से, बल्कि ये फेज वन में जो स्वास्थ्य कर्मी है, लगभग 15,000 जो बचे हैं, जो आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन में इनका वैक्सीनेशन होगा, उनको फेज टू में और फेज थ्री में जो आम जनता है जिनके लिए ओपन होगा, मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, और पिछले 10 महीने से आप जिस झंझट से या समस्या से जूझ रहे हैं, कोरोना नामक झंझट से, उससे बिल्कुल इससे मुक्ति मिलेगी। तो जब भी मौका मिले, जब भी आपके मोबाइल में मैसेज आए।